नमस्ते, मेरा नाम है कादरी और मेरा नाम है शिवानी और हमारी चैनल मदर और डॉटर कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो सुखी डिलाइट। तो चलिए हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हाफ कप जितना घी हम डालेंगे और हम इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। फिर हम मैं डालूंगी 1 कप जितना सूजी। और यहाँ पे हमने मोटी वाली सूजी ली है, आप अपने हिसाब से वो छोटी वाली एकदम बारीक आती है वो भी आप ले सकते हो। और अब हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे रोस्ट की हुई सूजी ली है तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने दूध और पानी को मिक्स करके उसके अंदर केसर डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है धीमी आँच पे। तो आप देख सकते हो कि सूजी में से घी बाहर निकलने लगा है और अच्छे से बबल्स भी हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हमारी सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और इसकी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमने दूध और पानी और केसर मिक्स किया था वो हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके। मैं डालूंगी 1 कप जितना मैंगो का प्यूरी। इसमें हमने कोई और चीज़ नहीं डाली थी, जैसे कि मिल्क, पानी या शुगर हमने नहीं डाला था जब हम मैंगो की प्यूरी बना रहे थे तब। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। हम इसके अंदर 1/3 कप शुगर डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और हमने यहाँ पे केसर कैरी ली है, आप अपने हिसाब से कोई और कैरी भी यूज कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक के चीनी है शुगर है जो वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा मैंगो सूजी हलवा बनके तैयार है। अब हम इसको मैंगो डिलाइट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है, हम गार्निशिंग कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे, जिस तरह से हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और मैं अब एक बाउल लूंगी और उसके अंदर इस सूजी का हलवा निकाल लूंगी। बाउल में निकल रही हूँ और इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। अब अच्छे से प्रेस हम गार्निशिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में ये हलवा निकाल लिया है और ये प्लेट इसके ऊपर रख दूंगी, फिर इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी।
तो आप देख सकते हो कि हमारा हलवा निकल गया है। ड्राई फ्रूट की रिंग बना दूंगी, मैंने यह मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं। और हाँ, अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो थोड़ा हाथों से इसको ठीक कर लेंगे। एक चम्मच में मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और उसको मैं इसे डिजाइन के लिए कर दूंगी। इसके ऊपर कट की हुई मैंगो डालेंगे। फिर इसके ऊपर मैं एक चेरी रंग दूंगी और मैंने यहाँ पे एक तुलसी का पत्ता लिया है, वो रख दूंगी। ओके, हमारा मैंगो सूजी डिलाइट बनके तैयार है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में भी लिखना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।